जशपुर जिले का एक आरक्षक पिछले 7 सालों से गायब है। आरक्षकों विभाग की तरफ से ट्रेनिंग के लिए चेन्नई भेजा गया था, लेकिन ना तो वो आरक्षक ट्रेनिंग पर पहुंचा और ना ही घर वापस लौटा। आरक्षक के परिजन 7 सालों से उसकी खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अब तक आरक्षक का कोई पता नहीं चला। बता दें कि आरक्षक को 3 साल पहले विभाग ने रिटायर कर दिया, साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग भी की। पता है और उनको पता करने के लिए रत्नागिरी गया था। जितना भी छानबीन किया वहाँ पता नहीं चला। बस शासन से ये वो चाहता हूँ कि छोटे भाई के लिए अनुकंपा मिल जाए। ड्यूटी गए थे तो उधर ड्यूटी तरफ भी पहुंच नहीं पाए ना, इधर भी नहीं पहुंचे। उसके बाद में तो जाने के पहले यहाँ से गए थे या दुलदुला से गए? यहाँ से गए थे। सबसे मिलके गए थे। हाँ, यहाँ से क्या बताए थे? नहीं आई। उसके बाद में वापस मेरे को 1 महीना भी उसके बाद में खबर 2014 में थाना दुलदुला में पदस्थ आरक्षक बालेश्वर राम को यहाँ से जशपुर से चेन्नई सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में कोर्स से तो रवाना किया गया था, परंतु वह आरक्षक यहाँ से रवानगी मिलने के उपरांत न तो वह रिपोर्ट किया और न ही उसके पश्चात तो आमद दिया है, और उसको लेकर काफ़ी प्रयास भी किए गए पतासाजी के, लेकिन तब से अभी तक वो नहीं मिला है। और उसमें गुमनसार उसी समय कायम किया गया था और उसके परिवार को भी पेंशन दिया जाता है। आपको बता दें, जशपुर की एक खबर है जहां 7 सालों से लापता है आरक्षक। ट्रेनिंग के लिए चेन्नई गया था। आरक्षक विभाग की तरफ से ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के लिए आरक्षक गया हुआ था, लेकिन 7 सालों से वापस नहीं लौटा। आपको बता दें, जशपुर का ये मामला है। विभाग ने 7 साल लापता हुए हो गए हैं आरक्षक को, लेकिन 3 साल पहले ही उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति की बात की है और विभाग से आरक्षक का नाम भी हटा दिया। जानकारी के अनुसार आरक्षक ना तो ट्रेनिंग स्थल ही पहुंचा था और ना ही वापस घर लौटा। ट्रेनिंग के लिए 7 सालों से आरक्षक की तलाश की जा रही है। ट्रेनिंग के लिए गया था आरक्षक, लेकिन 7 सालों में ना तो वो ट्रेनिंग स्थल पर ही पहुंचा, ना ही वापस घर आया, ना ही कोई अता, ना ही कोई पता। किसी भी तरह का आरक्षक से संपर्क नहीं हो पाया परिजनों का। तीन साल पहले ही विभाग ने आरक्षक को रिटायर घोषित कर दिया, वो आरक्षक जो पिछले 7 सालों से लापता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जशपुर संवाददाता अभिषेक शर्मा। अभिषेक, 7 सालों से एक व्यक्ति गायब है, विभाग को उसको उसका पता नहीं, ना ही परिजनों को कोई खबर है। किसी तरह से संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की आरक्षक ने, जो लापता है व्यक्ति। क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? क्या वाकई विभाग की तरफ से ट्रेनिंग के लिए गया था या कुछ और कहकर निकला था घर से? जी हाँ, बता दूं कि जशपुर के खरसोता का मामला है, जहाँ बलेश्वर राम 2014 से जशपुर जिले के दुदुला थाने में पदस्थ थे। तब से वो चेन्नई कह के गए थे, तब पता थे। हालांकि इसकी सूचना घर वालों ने पुलिस को दे दी थी, लेकिन तब से उनका खोजबीन जारी था, लेकिन जब अभी तक उनका पता नहीं चल पाने से उनके परिजन काफी वो चल रहे हैं।
और लगातार उनका खोजबीन के लिए पुलिस हालांकि बोल रही है कि लगातार उनका खोजबीन चल रहा है, लेकिन इस मामले में कोई अभी जानकारी नहीं पर मिल रही है। जी जी क्या है आरक्षक, मतलब जो अनुकंपा नियुक्ति की बात की थी आरक्षक के परिवार में से, 3 साल पहले अब रिटायर कर दिया गया, विभाग के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ नीतियां होती हैं, उनका पालन करते हुए आरक्षक को रिटायर घोषित कर दिया और अनुकंपा नियुक्ति की देने की बात की, विभाग की तरफ से कुछ खबर आई, विभाग की तरफ से कुछ खोजबीन करने का प्रयास किया गया आरक्षक का?